station. Now I am going to start my spiritual journey. It's my spiritual adventure. Now you can watch. This is Haridwar Rail Station. This is Haridwar Rail Station. And you can watch. This is Hill. Watch this mountain. How amazing, mysterious mountain. This is a mysterious mountain. I am going to start my dangerous adventures. This is Gangotri on the top of the Himalayas mountain. You can see the waterfalls. It's an amazing place. A beautiful place, mysterious place. This is the waterfalls, you can see. This is great Himalaya mountain. About spirituality. Now I'm going to a monk, a great monk. Now come with me. I'm going to the monk. This is Gangotri. The Himalaya mountain, top of the Himalaya mountain. This is the great river Ganga. It is coming from Kumu. And this is flowing over to all over the India. Come with me. Mysterious monk. Now I am going to
talk with him in the most spiritual way. Now come with me. This is the gate of the caverns, of the caves. बाबू जी आपका नाम क्या? सीताराम. सीताराम. Here you can see this is the monk of the human on the caves. His name is Sitaram. This is a great monk. I am now going to talk with him about spirituality. You can see. तुम यहाँ से पकड़ बाबा जी को क्लोज अप लेना है, ठीक है? मुझे ले लेना, मैं आपको या ना हूँ कोई बात नहीं, बाबा जी को क्लोज अप ले करना. मैं पास बैठता हूँ. बाबा जी का चेहरा ठीक से आ रहा है? ठीक से. तुम यहाँ ठीक है. बाबा जी का चेहरा ठीक से आ रहा है? बाबा जी अब तरफ घूमिए लाइट के. अरे वहाँ से नहीं होगा तो लाइट लाइट नहीं आ रही. अभी ठीक है? हाँ ठीक है. बस इस प्रॉब्लम. अच्छा बाबा जी तो केवल भक्ति मार्ग चाहिए. राम नाम. राम को पास जाने की. राम नाम. राम नाम. उसे राम पूरा राम ही नहीं है. कैसे? केवल राम नाम के सहारे सब जप. राम नाम जपते रहो. बस ऐसे ही जपते रहो. सब ऐसे ही जपते रहो. राम राम. बस विरक्त होकर के ये ऐसे संसार छोड़ के अकेले चले आते. ये विरक्त के लिए है. यदि सांसारिक व्यक्ति भी वो राम नाम जपता है भोजन करते हुए चलते हुए बैठे हुए, यदि राम के चरणों में स्नेह रखता है तो भी ये, वो भी ये भव सागर को पार हो जाता है. भव बंधन से बच्चे का बंधन पार हो जाता है. नाती का बंधन पार होकर व्यक्त हो जाता. ये भव बंधन होते हैं. जैसे परिवार का बंधन ये भव बंधन है. साधु के लिए साधु भव बंधनों से मुक्त होता है. उसको कोई भव बंधन नहीं, नहीं उसको कोई बच्चा नहीं पालना है. उसका कोई दुख नहीं है. उसको कोई नौकरी का भी चिंता नहीं है. उसको व्यापार का भी चिंता नहीं है. उसको कहीं जाने का भी कोई चिंता नहीं है. चला गया तो चला गया, बैठा है तो बैठा. वो भव बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है भव बंधन से. आप जानते हैं इस बात को कि भव बंधन से मुक्त कौन है? अब आप हमारे से क्यों बोलवा? अब हो गया, इतना ही कथा हो गया. बस जाते नहीं हम. अब इतना ही कथा हो गया, बहुत हो गया. आप देखिए नवद्वीप कब आ रहे? देखिए नवद्वीप. सुनिए सुनिए. आप हमसे कितना भी आप हमसे उपदेश सुनेंगे, कितना भी हमसे प्रवचन सुनेंगे, हम बहुत प्रवचन सुना सकते हैं आदि अंत तक. समय 24 घंटा हो जाएगा, तमाम दिन हो जाएगा, फिर भी वो प्रवचन खत्म नहीं होगा. तो बस अब हो गया, बस इतना ही. यही तो स्मृति मैं ले जाना चाहता हूँ कि आपके साथ इतना. देखिए देखिए जितना प्रवचन राम जी का कथा में, राम जी का चरित्र में है, उतना प्रवचन और कहीं स्थान पर नहीं है. जितना एक राम जी पर है. और कृष्ण जी एक ही वही आज के हम पार हो जाएंगे. पार होकर कहाँ जाएंगे? मरने के बाद. मरने के बाद. सुनिए पार कैसे? ये नहीं कि मरने के बाद ही पार होंगे, मरने से पहले ही पार हो जाएंगे. आप क्या बात बोल रहे हैं? राम राम तो वह ऐसा शब्द है
ज्योति स्वरूप राम नाम है। ये जो ज्योति है हमारा जो यही राम नाम है जो ये बहुत सागर है। तो राम नाम जपने से तो भव सागर को पार तो हो ही जाएंगे। क्या भव सागर है? बाल बच्चे पालना है, उनका विवाह शादी करना है, ये भव सागर की उलझने है। ये भव सागर की, ये भी भव सागर है, ये भी भव सागर है। इस इन उलझनों को पार करके वो अपने सुख को प्राप्त करता है, यहाँ भी और वहां भी। जो जो सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए भी यही रास्ता है। जो सांसारिक व्यक्ति नहीं है, विरक्त है, उसके लिए भी यही राम नाम का रास्ता सरल है। उसके लिए भी ये राम नाम का रास्ता सरल है, विरक्त के लिए भी और सांसारिक के लिए भी। बस इतना हम जानते हैं। समझा, अभी समझा। आप जो मान मतलब जो मार्ग होता है ज्ञान मार्ग, जो ज्ञानी ज्ञान मार्ग होता है, जैसे शंकराचार्य वो मानते हैं ब्रह्म, और जो ज्ञानी होता है वो मानते हैं परमात्मा, ये होता है भगवान। सुनिए, आप कौन सा सुनिए, हम जो है भक्ति मार्ग को स्थान देते हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, आप भगवान भक्ति मार्ग को, अब ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देते हैं। क्यों महत्व नहीं देते? अब ज्ञान मार्ग को नहीं महत्व देते हैं। भक्ति मार्ग से बड़ा कोई मार्ग ही नहीं हम मानते हैं। केवल राम नाम के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना ज्ञान मार्ग चाहिए, ना उसको कोई मार्ग चाहिए। उसके राम है, वही कृष्ण है। अगर कोई राम की जगह कृष्ण जपता है, एक ही काम है। लेकिन अब हो गया बच्चे, अब हो गया, बंद करो। ठीक है, बस आप दिमाग खराब करो। ठीक है बाबा, आप आपका दिमाग नहीं खराब करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने से। Now I am going, he is feeling angry. Okay. बापरे, आंखों में आंसू आ गए।